दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसके विरुद्ध? धरना स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जुलूस के रूप में प्रदर्शन करती समाज हित संरक्षण समिति, जिसमें महंत भगवान दास शर्मा, चौधरी हरपाल सिंह, वीरेंद्र राघव, नेता किसान यूनियन असली चौधरी बादाम सिंह, एडवोकेट दिनेश अग्रवाल, ठाकुर जितेंद्र सिंह, मुन्नी देवी, मुकेश विकास, सत्य प्रकाश, कालीचरण, जोगेंद्र शर्मा, मुन्ना आदि काफी संख्या में उपस्थित रहे। धरना आज तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी जारी रहेगा। दोषी खिलाफ कार्रवाई होगी, आप उठ जाओ। उसे भी 4 महीने बीत गए, उसके बाद हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, फिर हमने भेंट भी करी कि डीएम साहब हम नेता नहीं है, हम पीड़ित हैं, आप हमारी सुनो। हमने ज्ञापन दे रखा आपको 23 तारीख में अगर ना लोगों हम बैठेंगे तो, हम 23 तारीख काम नहीं किया इन्होंने, हम 23 तारीख में बैठ गए और बैठने के बाद हमारा माइक बंद करा दिया इन्होंने, हम इनकी पोल खोले थे जो ये करते हैं जिले में, तो इन्होंने हमारा माइक पुलिस जबरदस्ती बंद करा दिया कि नहीं आप माइक नहीं चलाओगे, तो हमने माइक अपना बंद कर दिया। आज हमें कोतवाल साहब आए, बोले आपको मांग पत्र दीजिए मैं भी कराऊंगा, और मांग पत्र कोतवाल साहब आए और एकदम बोले वो जेम साहब नहीं है और मैं करा दूंगा, आप तक कोतवाल नहीं लौटे हो अभी तक, कोई नहीं लौटा। हमें 3 दिन हो गए, 15-20 आदमी 50 करोड़ घूस आते हैं अपने काम छोड़ गए, और ये जो है ये दोषी को दंड दे रहे। लेखपाल कौन है? लेखपाल उकपाल जाएगी, और राशन कार्डों में फर्जी मेंबर दर्ज, 3 राशन कार्ड दिए संस्था ने, क्या इसमें क्या रिपोर्ट लगाई है IGRS में? लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी। हमारा दावा था ये सरकारी जिन पर कब्जा है 35 साल से लेके, जो है आप उसमें मुक्त कराएं और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करें, तो इन्होंने लेखपाल ने रिपोर्ट दी 30 जून को कि मैं मौके पर गया और मैंने उस जमीन को सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त करा दिया। उसके बाद हमें संशय हुआ, हमने जाकर देखा तो वहाँ कोई अवैध कब्जा मुक्त नहीं थी। हम IGRS से मिले, भाई साहब आपके लेखपाल ने फर्जीवाड़ा कराया रिपोर्ट में, वो बोले मैं जांच कराता हूँ। अधिकारी उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें? उच्च अधिकारी और तो चुप पड़े हैं, वो कह रहे हैं हम दंड नहीं देंगे। किस उच्च अधिकारी से मिले? हम IGRS साहब के यहाँ कई 3 बार रिपोर्ट लगाया। आपको कितना टाइम हो गया? 30 जून में 12 जुलाई को रिपोर्ट लग गई ना साहब की, ना साहब ने कह दिया था कि हाँ लेखपाल की रिपोर्ट गलत है। अभी तक निष्ठान नहीं हुआ, कोई दंड नहीं दिया लेखपाल को, दंड चाहिए। कब्जा तो हटवा दिया लेकिन उसे दंड नहीं दिया। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, और फर्जी और ये सब फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं राशन कार्डो में, फर्जी नंबर फर्जी हो तो दर्ज कर लिए राशन कार्डो में, फर्जी वाला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, फर्जी वाला।